news from the center is that Model Town Grizz, they have won the toss and they have decided to ball first. तो मैदान के वस्त से खबर यह है कि मॉडल टाउन ग्रे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये दोनों टीमें हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, लेकिन इससे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ बुखारी। खुशामदीद कहेंगे आसिफ आपको। एक दफा फिर ओवर द स्टंप्स, इस दफा बैक टू बॉलर खेल दिया है फील्डर हसरत भरी निगाहों से बॉल को जाता हुआ देख सकते हैं। आगाज जो है वो हो चुका है। वंस अगेन इस दफा मिड विकेट एरिया में स्ट्रेट टू द फील्डर, 13 नंबर शर्ट पहनी हुई है वहां पर फील्डर ने, अब की बार कोई गलती नहीं की। इस ओवर द विकेट गेंद सामने गिरा हुआ था और इसको बिल्कुल सामने खेल दिया साइड स्क्रीन के बाहर 6 रन्स के लिए। अच्छे बॉलर लगे हैं लेकिन बल्लेबाज दिलशाद हैं इस दफा इंतखाब किया मिड विकेट बाउंड्री का। सामना कर रहे हैं दिलशाद, ये अच्छी गेंद थी लेकिन पीछे गिरी हुई थी और इसको फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस पर गेंद मिल गई रीच में, हवा में है, फील्डर जरूर आए लेकिन कैचिंग का मयार इतना बेहतर दिखाई नहीं दिया, कोशिश जरूर की थी। स्लो गेंद किया लेकिन लो फुल टॉस हो गया, इस मरतबा भी खराब एफर्ट, इस गेंद को बाउंड्री के पार जाने से रोकना चाहिए था। 7 फील्डर्स इस वक्त हमें बाउंड्री लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। मात का काफी मुख्तलिफ एक्शन है लेकिन इस मरतबा भी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये टॉप एज है, गेंद हवा में है, फील्डर बॉलर खुद गेंद के नीचे आ रहे हैं और यहां पर 2-3 दफा गेंद फंबल हुआ लेकिन हम्माद ये गेंद पकड़ने में कामयाब। यूं और नए बल्लेबाज भी मैदान में आ चुके हैं और टेप बॉल में आप वक्त नहीं ले सकते, ऊंचे शॉट्स खेलना होते हैं। फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं, अच्छी कोशिश और ये मुसलसल दूसरी विकेट। पहले पिछले ओवर में हमने खराब फील्डिंग देखी लेकिन यहाँ 2 मुसलसल गेंदों पर 2 आउटस्टैंडिंग कैचेज और दूसरे से हैट्रिक बॉल है। रशीद सामने है और इस मरतबा जोरदार अंदाज से खेला, ये गेंद जाएगी ग्राउंड से बाहर। और इस मरतबा भी गेंद को खेला है जोरदार अंदाज से और ये गेंद भी चला गया आसमान की वसतों में 6 रन्स के लिए। शानदार बैटिंग यहां पर रशीद की और ये गेंद भी जाएगा और यह हवा में था, फील्डर ने यहां पर मिस किया और अंपायर का सिग्नल देखना होगा, ये कैच हो सकता था। और अब अंपायर फील्डर से पूछ रहे हैं कि ये 4 रन्स हैं या 6 रन्स हैं। बजाहिर यूं लगता है कि ये गेंद उनके हाथ को लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है और यही मजमुई रन्स की तादाद जो है वो 4 ओवर में 76 रन्स बन चुकी है, एग्जैक्टली 19 रन्स पर ओवर के हिसाब से। जी हाँ, 4 ओवर के लिहाज से ये अच्छा रन्स है 76 रन्स, लेकिन दूसरी टीम की जो मजबूती है स्ट्रेंथ है उसको देखना होगा कि वो किस तरह से जवाब देते हैं। यू 4 ओवर्स में 3 विकेटों पर 76 रन्स बनाए हैं लाहौर कैंट ने। बिल्कुल, आपको LCCA क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुशामदीद कहा जाता है और एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला रहा। प्रीवियस मुकाबले में 70 रन्स का जो हदफ है वो दिया गया है। प्रीवियस इनिंग में फरहान भी बता रहे थे कि ऑस की वजह से थोड़ा सेकंड बैटिंग करने वाले को ये है कि फ़ायदा होगा। पहला बॉल, हियर वी गो, क्योंकि पहला ओवर होता है उसमें अगर आप 1-2 बड़े शॉट्स लगा डालें। और ये बिल्कुल जिस शॉट की मैं बात कर रहा था, बल्कि बिल्कुल फील्डर मौजूद थे, यहाँ पे कैच लिया गया है, बेहतरीन कैच। सिर्फ 4 ही रन दे रखे हैं। एक बार फिर से लेफ्टी मार्क, ये बैक ऑफ द एंड स्लोर बन किया था, 6 रन मिल जाएंगे डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, बेहतरीन छक्का यहां पे। और ये इस दफा बेहतरीन कैच विकेट का कमे लिया गया है, उसको लेग साइड की जाने बाल को बड़ा शॉट्स लगाना चाह रहे थे हमाद, लेकिन यहाँ पे वापसी होगी तो फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी करनी होगी। और इस बार स्लो बॉल किया, डिसीव किया अपनी पेस से रशीद ने और अब उन्होंने किसी फील्डर पर रिलाय नहीं किया, गेंद सीधी विकेटों से। सिर्फ 3 रन्स दिए और टेप बॉल क्रिकेट में ऐसे मंजर हर दिन दिखाई नहीं देते। और इस बार बॉल्ड कर दिया 2 डॉट बॉल और उसके बाद फिर वही सलूक किया बल्लेबाज के साथ, शॉट
ये टेबॉक क्रिकेट में फ्लिक शॉट अक्सर बड़े शानदार बैटर लगाते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा फ्लिक यहाँ पे ओवैस की जानिब से बता रही है कि मुश्किलात का शिकार है, लेकिन यहाँ पे ये हार मानने वाला नहीं है। बेहतरीन कैच यहाँ पे, बहुत लाजवाब गडीम यकीनी तौर पर इस मैच से आउट हो चुकी है, लेकिन इस दफा शकील ने एक और अच्छा शॉट खेला, ये गेंद चला जाएगा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस इनिंग का ये कैचेस कॉल है, बट फील्डर अंडर द बॉल, जज नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे आसानी ये मुकाबला है वो टीम कैंट ने जीता है, एक शुरुआत अच्छी कर ली गई है फरहान। स्कोर कार्ड, अवैस नॉट आउट रहे, 10 बॉल पे 17 रन बनाए, उनके साथ साथ हमाद जिन्होंने एक छक्का लगाया और आते साथ ही फौरन अगली बॉल पे आउट हो गए। सलीम कोई डंडा बना सके, उनके साथ नबील कोई डंडा बना सके, रिजवान जिन्होंने 3 बॉल पे 2 रन बना रखे थे, उनके साथ शकील 2 रन पे सिर्फ 7 रन ही बना पाए, टोटल रन का मजमूआ 36 पे आगे पहुंचा। बहुत उम्दा बॉलिंग देखने को मिली, कामरान कामी ने आगाज किया 2 विकेटों के साथ, और उसके बाद अजहर रशीद ने जादुई ओवर किया जिसमें सिर्फ 3 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और 1 विकेट मोहम्मद वकास के हिस्से में आई, और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा से, और यूं 40 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है लाहौर कैंट ने मॉडल टाउन के खिलाफ। दिलशाद हनीफ की नुमाया कारकर्दगी रही, 12 बॉल पे 31 रन बनाए, बड़ा उम्दा यहाँ पे बैटिंग में जो है वो अपना जलवा दिखाया, उनके साथ अजहर रशीद जिन्होंने 3 बॉल पे 18 रन बनाए, उनके साथ मोहम्मद मजीद जिन्होंने 8 बॉल पे 15 रन बनाए। दूसरी जानेब 10 बॉल पे 17 रन बना के अवैस नुमाया कारकर्दगी दिखाई, बड़ा उम्दा खेल पेश किया शकील अहमद ने भी, उनके साथ मोहम्मद हमाद सिर्फ 6 रन बना सके।